है। वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा देना ताकि आप लोग हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा पाए। शुक्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बैटमैन सॉरी द बैटमैन जो 2022 पे रिलीज हुई थी इस मूवी की, चमगादड़ मैन जिसे हम मतलब कि देसी वर्जन कहते हैं। तो इस मूवी की OTT रिलीज डेट निकल के आ गई है, तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और लिटरली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस मूवी को मैं जब देखने गया था तो DC की मूवी में लाइट होती नहीं, तो मैं टॉर्च लेके गया था। जली ना तेरी भी जली ना। तो जब इस मूवी को मैंने देखा तो यार इस मूवी में मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि कब मैं रॉबिन पैटिंसन के मुंह से सुनूं कि आई एम ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, मैं सुनने के लिए काफी देर से इंतजार कर रहा था। और मैं लिटरली बता दूं दोस्तों, ये मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको कहीं भी ये मूवी निराश करने नहीं वाली है। आप लोग जाके इसकी रेटिंग भी चेक करेंगे तो IMDb में भी आप लोगों को 8.3 की रेटिंग मिल जाएगी इस मूवी की। और फिल्म काफी अच्छी निकल के आई है। फिल्म में मैं कहूंगा आप लोग सुपर हीरो को ज्यादा इसकी ओर से ना देखते हुए फिल्म को जिस हिसाब से मतलब प्रेजेंट किया हमारे ओर पे, काफी बेहतरीन लेवल पे की गई है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं इस मूवी की। तो इस मूवी की फिल्म मेकर्स ने इसकी जो OTT राइट्स है उसे बुक माई शो पे देने एक्वायर किया। और आप इस मूवी को 4 लैंग्वेज में, हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश, इस चारों लैंग्वेज पे स्ट्रीम कर पाएंगे बुक माई शो पे 18 अप्रैल के दिन। और आप लोग इस मूवी को 4K में देख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास उस मूवी की सब्सक्रिप्शन होगी बुक माई शो के तो आप लोग इसे देख सकते हैं, वरना आप इसे रेंट पे लेके हुए बुक माई शो पे आप इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी आप लोगों की ये न्यूज कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा इसी तरह की मूवीज के अपडेट्स के लिए। और आपको पूरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद।